हाई एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल सरकारी नौकरी में। फिर सामने लाए हूँ बड़ी अपडेट। हमारी पहली अपडेट है, IIT गुवाहाटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए किया है तैयार ड्रोन। गुवाहाटी के IIT की एक टीम ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन का विकास किया है। इस ड्रोन में स्वचालित स्प्रेयर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक स्प्रेयर लगा है, जो COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए बड़े इलाकों को सैनिटाइज करने में अधिकारियों की मदद करेगा। नेक्स्ट है, स्पेन की प्रिंसेस मारिया टेरेसा COVID-19 से मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य हैं। स्पेन की प्रिंसेस मारिया टेरेसा का COVID-19 के कारण निधन हो गया, जिसके कारण वह कोरोना वायरस से मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य बन गई हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1933 को हुआ था। उन्होंने फ्रांस में पढ़ाई पूरी करके पेरिस के सोरबोन और मैड्रिड के कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है, महान इतिहासकार प्रोफेसर अर्जुन देव का हो गया निधन। महान इतिहासकार और शिक्षाविद प्रोफेसर अर्जुन देव का जन्म 12 नवंबर 1938 को, जो अब पाकिस्तान की सीमा में है, हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT में इतिहासकार के रूप में अपना कार्य किया था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया 31 मार्च को। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल वैश्विक स्तर पर 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हर साल दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार ने COVID-19 पर अपडेट जानकारी देने के लिए समर्पित ट्विटर हैंडल लिया लॉन्च। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने COVID-19 के बारे में नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। इसे #IndiaFightsCorona नाम दिया गया है और इस पर @COVIDNewsByMIB हैंडल के जरिए पहुंचा जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने #IndiaFightsCorona समर्पित ट्विटर हैंडल को नागरिकों के लिए झूठी सूचना एवं गलत जानकारी से बचने और #COVID-19 पर सही जानकारी के साथ अपडेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर।